हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज मैं IIT पलक्कड़ के MTech फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को आपको बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरी को जस्ट आप फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम जैसे मैं बोलूँ वैसे आप करते जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको जस्ट वन टिप पे हो जाएगा। ओके, जस्ट एक ही बार में हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट आप मेरे को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये भी बता दूँ, ईच एंड एवरी IIT का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते, ईच एंड एवरी IIT, जो कि कुछ ही IIT छुट्टी है, जो कि मैं 1 से 2 दिनों में आपको सब IIT की आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और इससे पहले ये मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को आप जरूर सपोर्ट कीजिए या आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब करने में आपको कुछ यहाँ पे पैसा नहीं लगता। ओके, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए मैं ईच एंड एवरी अपडेट एज वेल एज ईच एंड एवरी IIT का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको बना रहा हूँ। ओके, इतना आप कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एक्चुअली आपको करना क्या। देखो यहाँ पे MSc और MTech अप्लीकेशन क्या यहाँ पे खुल चुका पोर्टल, यहाँ पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते। आपको क्या करना, सबसे पहले अब IIT की प्लकर की वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो MSc/MTech यहाँ पे देखो दिख रहा है ना कर्सर। ओके, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई CUP पोर्टल। ओके, यहाँ पहली बात आप ब्राउचर जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं MTech MSc। ओके, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, हाउ टू अप्लाई ये देख सकते हैं आपको, आपको कैसे अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो, यहाँ लेटेस्ट एडमिशन MTech इन डाटा साइंस, MTech इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक हो। MTech इन मैथ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, MTech इन सिस्टम ऑन चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, MTech इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप आ जाते हैं, हाउ टू अप्लाई आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ब्राउजर खोल रखा, ठीक है, मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से स्पॉन्स स्पेशलाइजेशन पे MTech ऑफर हो रहा है, जियो टेक्निकल मैनुफैक्चरिंग डाटा साइंस में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो डाटा साइंस में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, दीज आर बच्चे दे कैन अप्लाइड। ओके, और आ जाते हैं, और इससे पहले और बताता हूँ आपको, ये हो गया और सिस्टम एंड चिप डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये हो गया यहाँ पे सिस्टम है, ये तो देख लिए, ठीक है। अभी MSc के लिए अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके, यहाँ पे अवार्ड सारे रिजर्वेशन सिस्टम जो भी हो तो रहेगा ही, ये तो हो गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही होगा, ठीक। अगर अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी दिखा दे। और जो भी IIT की स्टूडेंट है जिनका CGPA मोर देन 8 है, उनको ज़रूरत नहीं गेट पर, उनको डायरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे SC ST की फीस 250 रुपये और अदर की 500। ओपनिंग पे 22/30 अप्रैल इज द लास्ट डे अप्लाई, यहाँ लिंक दे रखा, मैं इसको मैं कॉपी करके मैं डाल दूंगा नीचे। ओके, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे CUP में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं अप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ले गया ना। ओके, अब देखो क्या करो, हाउ टू अप्लाई क्लिक करो, ले जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप पहले सब चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो MTech एडमिशन, देखो क्रिएट अकाउंट है, सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना है। प्लीज चेक योर ईमेल, आपको ईमेल पे जाएगा, पासवर्ड हो गया, लॉग इन द ईमेल एंड पासवर्ड, क्लिक MTech प्रोग्राम, सिलेक्ट MTech कोर्स, अप्लाई अप्लाई, ठीक है। फिल द पर्सनल डिटेल, ये शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिल क्वालिफिकेशन, गेट स्कोर आपको फिल करना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग का कैटेगरी वाइज मतलब दे रखा, ठीक, एट द टाइम आप उसको आपको ले जाना जरूरी है। डाउनलोड एप्लीकेशन आप यहाँ पे आप सक्सेसफुली पेमेंट और प्लीज करें, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना हो गया, अब आ जाते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, ये दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो साइन अप लिखा है ना, क्या करना है आपको, साइन इन लिखा है ना, आपको पहले क्या करना है, इसको साइन इन करो, मैं दिखाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप क्या करो, रजिस्टर करो। ओके, क्रिएट एन अकाउंट, पहले क्या करना है आपको, क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे ईमेल आएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड जाएगा। ओके, मैं बताता हूँ। ओके, आपको मेल पे गया होगा पासवर्ड, एज वेल यूजर नेम आपको वहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन करना। ओके, मैं करता हूँ। ओके, आप एक काम करना है, देखो पासवर्ड तो जो गया होगा, ठीक है, वो सबका कॉमन रहता है, ठीक है। जो पासवर्ड होता है
योर पासवर्ड होता है ठीक, और जो आपका यूजर नेम होता ठीक, वो तो रहता है ठीक। आप वहाँ पे ईमेल पे आपको दो लिंक गई होगी, जो पहली लिंक है उस पर आपको क्लिक करना, वहाँ पे पहले क्या करना पासवर्ड सेट करना ठीक, उसके बाद आप दूसरी लिंक पे जाना ठीक। आपको ईमेल पे दो लिंक मिलेगी, आप जहाँ पे पासवर्ड सेट कर लो ठीक। मैं करता हूँ, हो गया। ये हो गया और यहाँ पे सबमिट करो। ओके, पासवर्ड हैज बीन चेंज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, करना हो तो कर लो, नहीं तो आ जाइए प्रोफाइल पे, मेंबर ऑफ 5 मिनट, ये तो हो गया ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए एप्लीकेशन पे ठीक। ओके, इसके बाद आपको करना है ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करो। ओके, मैं आपको बताता हूँ करना। ओके, जैसे आप देखो, सब सिंपली मैं बोलूँगा, जैसे आपने यहाँ पे आपके देखो प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक, लॉगिन हो चुके ना, वेलकम टू गौतम। ओके, ये तो हो चुका ठीक है। आप देखो, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है आप वहाँ पे क्या करना है क्लिक करो। ओके, आपको जिस भी डिपार्टमेंट अप्लाई करना है आपको क्या करना है क्लिक करो। जैसे मैं एमटेक इन डाटा साइंस में अप्लाई करता हूँ। ओके, यहाँ पे आइए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा अप्लाई नो। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा स्टूडेंट अप्लाइंग फिजिक्स मैथ मस्ट है प्रूव बाय जी। ओके, यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि जो भी डाटा साइंस में अप्लाई कर रहा है उसके पास एटलीस्ट कम से कम तो एक प्रोग्रामिंग कोर्स का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, और मस्त भी स्टडी और फिजिक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए। ये तो ठीक है, मैं तो फिजिक्स हल्को ही पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में रहता है ठीक। लेकिन अगर जिस जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं प्रोग्रामिंग को, तो मैं इसको अभी नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सबसे जो सबसे कॉमन हो ठीक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। ओके, मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ ठीक है आपको। ओके, यहाँ अप्लाई नो, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, उसके लिए तो कुछ ही लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो भी है ठीक, नेम, जेंडर, एडमिशन कैटेगरी जो भी है, अब बीटेक से एमटेक से, अब देखो यहाँ पे रेगुलर बीटेक डालना, गेट डालना, यहाँ नो डालना, डेटा यहाँ पे डालना, जो भी आपकी। ओके, मैं करता हूँ, ओके ओके ओके, सेट हो गया ठीक। इसके बाद जेंडर डालना, मेल जो भी हो आपका, ऐसा नहीं है, कैटेगरी डाल सकते हो जो भी है ठीक। यहाँ पे डालना भाई इसमें ठीक है, यहाँ पे डालना, अगर आप इकोनॉमिक इनको इनो क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली अगर वीकर सेक्शन, तो आप यहाँ टिक करना, अपना मोबाइल नंबर डालना। ओके, जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालो ठीक, इतना बताते। इसके बाद एड्रेस अपना डालो, उसके बाद क्या करना है सीओपी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा डालना सीओपी जो भी है, 2100 जो भी है ठीक, पूरा डालना, मैं यही सजेस्ट करूँगा, नंबर मत डालना पूरा डालो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर नंबर डालते हो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर पूरा डाल दोगे तो उसमें प्रॉब्लम, उसको भी पता है, वो लेगा नंबर ही ठीक जब वो देखेगा। चलो ये हो गया। ओके, उसके बाद आपसे पूछेगा, देखो पहला स्टेप पर्सनल डिटेल ऑलरेडी फिल इट, ओके, उसके बाद पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल। ओके, यहाँ पे देखो बीटेक डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू और IN दोनों अप्लाई कर सकते, पास है अवेटेड, अगर अवेटेड अवेटेड डालना, अगर पास हो जाए क्वालिफाइंग मंथ कब आप पास हो रहे हैं वो भी डाल सकते हो, ईयर डाल सकते हो कौन से ईयर में आप पास हुए पास। ओके ओके, अब यहाँ पे डाल सकते हैं अगर अवेटेड है आप कौन से मंथ में, अगर पास मतलब अगर आप पास है तो वो भी डाल सकते, क्वालिफाइंग ईयर मंथ आपका पास हो, नेम ऑफ कॉलेज यहाँ डालो, नेम ऑफ कॉलेज और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ठीक है, ये कॉलेज की ही तरफ सबको पता चलेगा ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेम ही होता है ठीक। अब यहाँ पे सेम कॉलेज डाल सकते हो, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक यहाँ तो। ओके, वेदर द क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन डिस्टेंस एजुकेशन, नहीं यहाँ पे दिख रहा नो, आपने क्या ये होता नहीं कि एक होता है लर्निंग डे, आपने अगर रेगुलर किया है तो नो डालना ठीक है। वेदर द क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन वाया डिस्टेंस एजुकेशन, ओके, आपने रेगुलर नहीं किया यहाँ डालो नो ठीक। अगर आपने
उस तरह किया बीटेक ना, जैसे होता है ना कि पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब ये हुआ कि जैसे अब एक होता है रेगुलर बीटेक जिसमें पार्ट डे जाते, तो यहाँ पे पूछा कि अगर आपने उस टाइप का किया है, कि अगर आपने रेगुलर बीटेक नहीं किया है तो यहाँ डालना नो, वेदर क्वालिफाइंग डिग्री, ओके, वेदर द क्वालिफाइंग डिग्री इज द प्रोफेशनल बॉडीज, यस डालना, इतना करना, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज डालना, और यहाँ पे सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने बीटेक अगर पार्ट टाइम किया है तो एस डालना, अगर आप बीटेक फुल टाइम किए तो नो डालना, सिंपली इसलिए नो में डालना, ठीक। और यहाँ पे वेदर द क्वालिफाइंग डिग्री जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ये तो सिंपली है, यस ही होगा, ठीक, ये हो गया, ठीक, इतना करना। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करो, ओके। उसके बाद कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी नेम है यहाँ पे डालो, ठीक, जो भी है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ओके, यहाँ पे डालो जो भी है, ठीक, यहाँ भी डालो नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो इसको, मैं तो यही करूँगा, कंट्रोल सी, और उसके बाद पेस्ट कर दो। अभी जो भी कॉलेज जहाँ भी है उसको डाल दो, ठीक। उसके बाद क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट करो, ठीक, ओके, मैं बता, ओके, उतना कर लिया, क्वालिफिकेशन डिटेल भी हो गया, सारा कुछ हो गया। इसके बाद आपको पूछेगा गेट क्वालिफाइंग ईयर, आपने कब क्वालिफाई किया था, कौन से पेपर में किया था, अब यहाँ पे डालना रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा, ठीक, वो करना, ठीक, गेट स्कोर कितना था, गेट स्कोर अपलोड करना, ठीक, ओके, अपलोड रिक्वायरमेंट, ओके, यहाँ पे अपलोड करना है, और गेट क्वालिफाइंग ईयर सेकेंड गेट, अगर ओके, यहाँ पे अगर अगर 21 में क्वालिफाई किए, 20 में क्वालिफाई, सबका अपना अलग अलग डिटेल यहाँ पे फिलअप करना। आपने अगर 21 में किया तो सबसे पहले ऊपर वाला केवल फिलअप करना, उसको छोड़ देना, ओके, यहाँ पर 4 यानी 4 साल का वैलिड होता है, तो चारों का आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, आपने जब जब क्वालिफाई किया तो उसमें हर जगह आप फिलअप कर सकते हो, ओके ओके। उसके बाद देखो आपने गेट डिटेल फिलअप करते, अपने 4 साल जो जब भी आपने क्वालिफाई किया आप सबको फिलअप कर दो, ओके, 21 में, 20, 19, 18 जो 4 साल का जो रिसेंट है आप फिलअप कर सकते हैं जब भी क्वालिफाई, ये इतना हो गया। इसके बाद आप पासपोर्ट साइज सिग्नेचर ये सब नॉर्मल है, ठीक है, अगर आप बीटेक क्वालिफाई तो ये सब बड़े साइनेंस कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं उतना भी, नेशनलिटी सर्टिफिकेट है ये, क्या है भाई, ओके, ओ नेशनलिटी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट और SC ST सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो जो भी जिस कैटेगरी में वो सब डालो। सिग्नेचर नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या होगा उसको मैं बताता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास, ये 10th का रिजल्ट यहाँ पे अपलोड करना, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना, ओके। उसके बाद SC ST ये अपलोड करना, ओके, इतना करना ना, और मैं बताता हूँ नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जगह पे आपको अपलोड क्या करना है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो नेशनलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या फिलअप कर सकते हैं, एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो स्टेट लेवल का होता है, यहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट बोल रखा है, ठीक। अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे डोमिसाइल फिलअप करे तो आधार कार्ड, ओके, यहाँ पे दो ही चीज़ आप यहाँ पे फिलअप कर सकते, अदर अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक, तब यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ओके, इसका मतलब आप इंडिया के सिटीजनशिप हो, और देखो जो डोमिसाइल होता है ना, आप जैसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि निवास, ओके, सिंपली तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट वाइज का होता है, ठीक, और यहाँ पे नेशनैलिटी यानी यानी स्टेट में बोल सकते हैं इंडिया वाइज, ओके, कंट्री वाइज भी बोल सकते हैं, आप यहाँ इस कंट्री इंडिया में रहते हो कि नहीं, उसका नेशनल सर्टिफिकेट अगर उसकी लैंग्वेज में देखा जाए, तो यहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रीफर करूँगा डोमिसाइल या आधार कार्ड, यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक, नहीं तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि मैं 1-2 दिन में आपको कन्फर्म करके आओ, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेट वेदर यू शुड चूज डोमिसाइल या आधार कार्ड, ओके, बट एक्चुअली यू कैन चूज डोमिसाइल, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ नेशनल सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता, ठीक है, यहाँ सबके पास स्टेट वाइज ही सर्टिफिकेट होता है, मैं इस स्टेट में रहता हूँ, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो होगा स्टेट वाइज डोमिसाइल का ही होगा, ओके, अगर आप पेशेंस रखते हो तो मैं 1-2 दिन में मैं कन्फर्म करके मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप फिलअप कर देना डोमिसाइल, ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्स है तो ये कंपलसरी है फिलअप करना, ओके, यहाँ पे मैं डोमिसाइल ही फिलअप करूँगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कास्ट जो भी कैटेगरी उसके बाद आपको फिलअप करना, उसके बाद आप
अपलोड डॉक्यूमेंट हो, उसके बाद आपको प्रीव्यू सेक्शन पे ले जाता हूँ, मैं प्रीव्यू सेक्शन पे आपको लेके जाता हूँ। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे आ गया सबमिट, जैसे मैंने प्रीव्यू किया आगे तो आ गया सबमिट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किया डाटा सारा सब कुछ आप चेक कर लेना। ठीक, ओके, मैं नहीं ले जाऊँगा। ठीक, वहाँ पे पर्सनल डिटेल है खुद का, ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं दिखाने वाला। ठीक, और यहाँ पे जैसे आप करोगे ना तो सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ना आपको ले जाएगा कहाँ पे, पेमेंट पे। आप पेमेंट 500 पे करना, जो भी OBC और EWS जो भी है। ठीक, और उसके बाद SC ST 250 पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ले जाएगा, आपको फाइनल मतलब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। ओके, आपको ये भी एक चीज़ दिखा दूँ, देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, वेरीफाई द डाटा एंड एवरीथिंग हैज बीन फाइनल सबमिशन। जैसे आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो आपको कहाँ ले जाए, मेक द पेमेंट, आपको डायरेक्ट ले जाएगा कहाँ, पेमेंट पे। उसके बाद आपको क्या करना, डाउनलोड करना। ओके, पेमेंट जो भी है, ठीक, पेमेंट करने के बाद आप जो स्लिप है उसको डाउनलोड करना। उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना। अब उसको क्या, सिंपली आपको उसको डाउनलोड करके आपको रख देना। ओके, रख के आपको कहीं भी जो जो करना होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पे द पेमेंट, जो भी 500 जो भी है, सिंपल है, आपको पेमेंट खुद से करना है। ठीक, ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ एक नेशनैलिटी का सॉर्ट आउट मैं कर लूँगा, ठीक है, 1 से 2 दिनों में मोस्ट प्रॉब्लम मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक, एक्चुअली क्या होगा, मैं पिन कर दूंगा कमेंट। ओके, नेशनैलिटी एक्चुअली डोमिसाइल ही होगा, ठीक है, क्योंकि नेशनैलिटी इतना आसान नहीं है बनाना, ठीक, इस समय। ठीक है, क्योंकि पूरे मतलब आपको ये बताना है कि मैं इस कंट्री में रहता हूँ, तो सिंपली आप स्टेट वाइज भी बता सकते हैं, मैं इस स्टेट में स्टेट में अगर मैं स्टेट में रहता हूँ तो जाहिर से बात, मैं इस कंट्री का मैं सिटीजनशिप ही हूँ ना। ओके, सिंपली ये है। ठीक है, आपको सबमिट करना, उसके बाद आपको कर ले जाना, पेमेंट कर देना। ओके, जाहिर फिनिश। ओके ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ओके, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड। ओके, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट इन द गिवन डिस्क्रिप्शन नंबर। ओके ओके, थैंक्स। ओके।